सकता हूं, सपा से पूछे इससे किसके बारे में, ये हमने नहीं किया, ये काम आपके ही पार्टनर ने किया था समाजवादी पार्टी ने, आप कभी उनसे पूछ नहीं सकते प्रश्न। अनुसूचित जाति महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति समाजवादी पार्टी ने 2016-17 में दिया ही नहीं। जब 17 में मार्च 17 में हमारी सरकार आई तब हमने ये पूरी की पूरी छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को देने का काम किया था। इन्हें क्या इस पे बोलने का अधिकार है? ये लोग उपदेश देते हैं इस पर, यानी सच्चाई स्वीकार भी नहीं करेंगे। अगर गरीब को आवास मिल रहा तो बुरा लग रहा है, गरीब को शौचालय मिल रहा बुरा लग रहा है, गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन मिल रहे बुरा लग रहा है, गरीब को अगर हम कोई अन्य योजना का लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहे हैं तो भी बुरा लग रहा है, और जब इनकी असलियत खोल दी जाती है तो तब इनको फिर अपने आप अपना मुंह दिखाने लायक स्थिति में नहीं रहते हैं। और यही स्थिति महोदय इन्होंने पैदा की, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने कभी भेदभाव योजना के नाम पर नहीं किया, हमने किसी के साथ जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया, लेकिन बिना भेदभाव के संविधान प्रदत्त अधिकार लोगों को प्राप्त हो यह सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, और देश की संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए ही, ये समर्थन देने के लिए ही आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं। मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि संसद ने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित किया है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा भी सर्वसम्मत से इसको पारित करें, और गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी वनवासियों के लिए भी हम लोग अपनी उस प्रतिबद्धता को जो भारत के संविधान के द्वारा पारित प्रस्ताव है उसके साथ अपने आप को संबद्ध कर सकें। इस दिशा से मैं आप सबसे पूरे सदन से अपील करूंगा कि सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह अपील मुझे यहां पर करनी थी। मैं एक बार पुनः आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस 2019 को उत्तर प्रदेश विधायिका की दिशा से महत्वपूर्ण वर्ष बनाया है, और कई विशेष सत्र प्रारंभ किए। एसडीजी ये गरीबों के लिए ही था, सबको स्वास्थ्य की सुविधा, सबको शिक्षा की व्यवस्था, सबको बुनियादी सुविधा, सबको अन्य बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके, यह एसडीजी के माध्यम से इस सदन के माध्यम से चर्चा हुई। जो लोग चर्चा में भाग नहीं लिए स्वाभाविक रूप से वे स्वयं भी उन गरीबों के विरोधी थे, उन दलितों और वंचितों के विरोधी थे। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के अवसर पर, 150वीं जयंती के अवसर पर फिर विशेष सत्र आहूत किया था, और उस समय बापू को उस सत्र के माध्यम से श्रद्धांजलि एसडीजी के माध्यम से दी। इसके उपरांत भी विशेष सत्र अन्य मुद्दों पर बुलाए गए, और आज फिर अनुसूचित संविधान दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप 26 नवंबर को आहूत किया था, और आज जब वर्ष 2019 का ये अंतिम कार्य दिवस है तब अंतिम कार्य दिवस पर भी ये विशेष सत्र आहूत करके उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। विधानमंडल से जुड़े हुए सभी हमारे जितने भी अधिकारीगण हैं, जितने भी विधानसभा और विधान परिषद से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी और कर्मी हैं, सभी अधिकारियों ने भी जिस मनोयोग से इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसे सफल बनाया है, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं चाहूंगा कि पूरा सदन सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति जनजाति के उन समुदायों का प्रॉपर प्रतिनिधित्व विधायिका में दिया जा सके। इस दिशा से जो प्रस्ताव संसद के द्वारा पारित किया गया है इसको हम सब अपना समर्थन दें, मुझे यही कहना था। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इसका तो समर्थन हम लोगों ने पहले ही कर दिया और इस पर डिबेट नहीं होना था, इसलिए हमने केवल सुझाव दिए थे। चले थे हरिभजन को वोटर लगे कपास। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या कर रहा है? आपका कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया? अब बैठिए आप। अगर
उनको बोलने दे। अनुसूचित जात जनजाति का सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं नहीं, छात्रवृत्ति देना, छात्रवृत्ति न देना ये समर्थन है। जीवन राम गए, छात्रवृत्ति को गोल करना ये समर्थन है। माला पहने उसको गंगा जल से धोवा किसने? माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश इस पर इन्होंने ही निरर्थक बहस चालू की। माननीय नेता एक निरर्थक बहस चालू की। मेरा शादी करना चाहता है, मेरा आपसे अनुरोध है मानवर, पीछे की परंपरा देख लेना। जब कभी ये प्रस्ताव आया तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ, कोई भी विपक्ष का हमने हुआ कोई विषय, जब तक नेता बोले हैं विषय का उसका कोई खड़ा नहीं हुआ। मानवर जवाब देना और था कोई नहीं रहा। ये बोले क्या कर रहे हैं ये अलावा ये माननीय अध्यक्ष जी, राम बगल में छुरी। अब आपकी बात आ गई है, के छुआ होता प्रश्न लोग नहीं पीते हैं। अन्य अध्यक्ष जी आप बोल तो लिए, आपने नेता सदन को सुना, आप परे थे इस के खिलाफ विशेष आप बोल तो लिए, आप बोल तो लिए। आपके माध्यम से खाना चाहता हूँ, पहले इनको बैठाइए। आप नहीं क्योंकि नेता सदन के बोले तो कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ। आप उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं नहीं बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं केवल सुझाव दिया, आपके लोग खड़े हैं तो क्या फिर आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूँ। अनवर अध्यक्ष जी इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है। ये लोग झगड़ा करते हैं। जब आपने कहा तो नहीं आप बात आपने करी। अरे पहले बात तो सुन लीजिए ना। माननीय अध्यक्ष जी बिल पेश किया, विशेष से हल्के बोलने की शुरुआत किसने करी? मान्यवर पूरा सदन सबसे बड़ा विशेष से हल्के बात पहले आप शुरू करी। विशेष से कौन हटा? जाओ भाषण नहीं दिया, हम घर नहीं बनवा रहे थे। कृपया एक मिनट। नहीं माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट, हले वही मैं कहने जा रहा था। माननीय